बस चंद घंटे बचे हैं जब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन का ये फोरकोर्ट उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेगा जब पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार की शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाएंगे। नरेंद्र मोदी के साथ उनके मंत्रिपरिषद के 52 से 55 मंत्री भी शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक है। लिहाजा नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह भव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई है। उनके शपथ ग्रहण में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मेहमान के तौर पर शामिल होंगे, जिनमें बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, भूटान के पीएम शोरिंग तोबगे, मॉरिशस के पीएम प्रवीण जगन्नाथ, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम संघे शामिल हैं। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसी संभावना है कि शपथ बाद नरेंद्र मोदी भारत दौरे पर आए नेताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। भारत और मालदीव के तनावपूर्ण संबंधों के बीच म्यूजो का मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना अहम माना जा रहा है। चीन का समर्थक माने जाने वाले म्यूजो के राष्ट्रपति बनने के बाद पिछले वर्ष नवंबर से भारत और मालदीव के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। मोदी शपथ ग्रहण में विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां, जिनमें वकील, डॉक्टर और कलाकारों को न्योता दिया गया है। मेहमानों में विकसित भारत के राजदूत, केंद्र सरकार की योजना के लाभार्थी, आदिवासी महिलाएं, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन के लोको पायलट और सफाई कर्मचारी शामिल होंगे। साथ ही करीब 50 प्रतिष्ठित धार्मिक नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। पीएम के मन की बात के प्रतिभागी और पद्म पुरस्कार से विभूषित शख्सियत भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी के ओथ टेकिंग सेरेमनी में हमें इनवाइट किया है हमारे ऑफिसर्स के तरफ से। हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमें इस फंक्शन में सहभाग होने का मौका मिला है। हैट्स ऑफ मैं अपने भारतीय रेल को बोलूंगी और हमें ये मौका देने के लिए कि हम रिप्रेजेंट करें अपने रेलवे को प्रधानमंत्री के वो शपथ समारोह में। नरेंद्र मोदी के शपथ में साधु संतों समेत कई अन्य धर्मों के 50 धार्मिक नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। 2024 के शपथ ग्रहण के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा की जन्मभूमि का भी उद्धार होगा और मैं चाहता हूं कि पूरे देश में भारत सरकार इस बार समान नागरिक संहिता लागू करे और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू। शपथ ग्रहण समारोह के लिए बिल्कुल वैसी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है जैसी G20 के समय की गई थी। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह निगरानी रखी जा रही है। राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई लेयर की सुरक्षा के इंतजाम हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनी को तैनात किया गया है। इसके अलावा NSG कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर भी ऊंची इमारतों पर तैनात रहेंगे। पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। खुफिया एजेंसियों के कंधों पर विदेशी मेहमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हर राष्ट्राध्यक्ष के हिसाब से प्रोटोकॉल के मुताबिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा विदेशी मेहमान जिन होटल में रुकेंगे उन होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के मुताबिक राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाके को कंट्रोल एरिया बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक इस कार्यक्रम की निगरानी 500 से ज्यादा CCTV कैमरों से की जाएगी। नई दिल्ली इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से शपथ ग्रहण को देखते हुए 9 और 10 जून के लिए कई तरह की पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास के इलाके में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हमारा अरेंजमेंट लगा हुआ है। एडवाइजरी हमने निकाल दी है, इसके लिए अपलोड कर दी है डिटेल में, ताकि जो जनरल पब्लिक है उसको इस एरिए में राष्ट्रपति भवन के आसपास जो भी एरिया है उसमें मूवमेंट में परेशानी ना हो। ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने कंट्रोल जोन बनाया है। वो कंट्रोल जोन राष्ट्रपति भवन के आसपास में जो सड़कें हैं या जो एरिया है उसको कवर करता है। डिटेल में अगर आप इसको देखना चाहें तो हमारा ट्रैफिक का सोशल मीडिया पर हैंडल्स हैं, आप उस पर ये हमने ट्रैफिक एडवाइजरी अपलोड कर दी है। तो मोटे तौर पर जो आसपास का एरिया है वो कंट्रोल्ड एरिया है और ये 2 बजे के बाद से उसके अंदर जो मूवमेंट होगी वो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर आयोजित किया जाएगा, जिसमें शपथ समारोह में शामिल होने आए पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के 7 देशों के नेता, मंत्रिपरिषद के सदस्य और अन्य गणमान्य अतिथि शामिल होंगे।